जब राजा हरिश्चंद्र पर विपत्ति आई तो एक दिन तीनों प्राणियों को बिकना पड़ा, और जब तीनों प्राणी बिके तो राजा हरिश्चंद्र वाल्मीकि के यहाँ बिके और रानी तारा और रोहित कुंवर ब्राह्मण के यहाँ बिके। जब ब्राह्मणी ने रोहित कुंवर को फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए भेजा और फूल तोड़ने के लिए रोहित कुंवर पहुंचे तो वहां पर रोहित कुंवर को तक्षक नाग ने डस लिया। और इस बात का जब रानी तारा को मालूम हुआ तो वह दौड़ती हुई रोहित कुंवर को अपनी गोदी में उठा लेती हैं और किस प्रकार विलाप करती हैं आप इस गीत के माध्यम से सुने। और रब ने दिया है गाँव, और रब ने दिया है गाँव, बता क्या करें। और नाग ने लाल खाया, बता क्या करें। नाग ने लाल खाया, बता क्या करें। नाग ने लाल खाया, बता क्या करें। नाग ने लाल खाया, बता क्या करें।
रानी तारा की आंसू नहीं रुक रहे और किस प्रकार विलाप कर रही। हाँ कफन पास है ना, कफन पास है ना, पता क्या करे नाग ने ना लिखाया, पता क्या करे नाग ने ना लिखाया, पता क्या करे नाग ने ना लिखाया, पता क्या करे। मरगट पे ले जाती है और वहां पर राजा हरिश्चंद का पहरा होता है, तो क्या कहती है रानी तारा और क्या कहते हैं राजा हरिश्चंद। हाँ किसे काय लाल है मैंने न जाना, करे काटका मुझे बोले कि किसका ये लाल है मैं इसे नहीं जानता और मुझे तो कर का टका चाहिए। जब ही इस लड़के को यहां पर दफन करने दूंगा। हाँ किसका ये लाल है मैंने न जाना, कर का टका मुझे हुकुम राही। मालिक का हुकुम राही, पता क्या करें